तुम में हीरे की सिफत है तो अंधेरे में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक सकते हैं। तुम में हीरे की सिफत है तो अंधेरे में मिलो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक सकते हैं। सर्दी को देखते हुए ज्यादा फजूल बातें ना करते हुए मैं मोहतरम अली जनाब साहिल इलाहाबादी को माइक पर आवाज दे रहा हूं, आए और अपने कलाम से महजूज फरमाए। हजरत कबल इसके कि मैं अपने शेरी सफर का आगाज करूं, आप हजरात से चंद मिनट में गुफ्तगू करना चाहता हूं। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि आज की ये महफिल एक शाम दानिश भाई के नाम से मंसूब है और इस महफिल को सजाने का एक बुनियादी मकसद भी है और उस मकसद से आप हजरात आशना है। हजरात हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ जमहूरियत का निजाम कायम है, यहाँ बादशाहत का निजाम नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारे आबाओ अजदाद ने इस बात पर इत्तेफाक इसलिए किया है कि इस मुल्क की हुक्मरानी किसी की जागीर न बन जाए, किसी की मिल्कियत न बन जाए। हर पांच साल में चुनाव आता है, वो चाहे प्रधानमंत्री की सीट का चुनाव हो या ताउनेरिया के एक छोटे से सभासद का चुनाव हो, पांच साल में तरमीम हो जाया करती है ये सीट, किसी दूसरे के हाथ में चली जाया करती है। मैं लाल गोपालगंज की तारीख थोड़ी देर के लिए आप लोगों की निगाहों के सामने रखना चाहता हूं। मैं छोटा सा था, पहली बार लाल गोपालगंज में ताउनेरिया का चुनाव हुआ, स्वर्गीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी पहली बार इस टाउनेरिया में जीत कर चेयरमैन की कुर्सी संभाली। बड़ी खूबसूरती के साथ उनका पांच साल गुजरा, बहुत बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपने पांच साल गुजारे। फिर उसके बाद मेरे पड़ोसी इज्जत मां डॉक्टर कुद्दूसी साहब का दौर आया, जिन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में 10 साल गुजारे। फिर बदलाव हुआ, प्रदीप कुमार केशरवानी जी का दौर आया, उन्होंने भी किसी भेदभाव के बगैर 5 साल गुजारे। फिर उसके बाद बदलाव हुआ, इंशाअल्लाह इस साल भी बदलाव होगा और हम दानिश भाई को चेयरमैन की शक्ल में देखेंगे। बहुत जिंदाबाद, 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 बहुत खूब। आइए दोस्तों, मैं अब अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ। यहाँ से चार मिसरे पढ़ता हूँ कि लुटा देते हैं अपनी जान अजमत पर तिरंगे की। क्या बात है, हमें 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 गद्दार कहा जाता है। इस मुल्क के कुछ ठेकेदार जो है वो हमें गद्दार कहते हैं, गद्दारे वतन कहते हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने सरहद पर अपने सीनों पर गोलियां खाई और हमें गद्दार कहा जाता है। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि लुटा देते हैं अपनी जान अजमत पर तिरंगे की, हमीदी कौम के वारिस की अब तक शान जिंदा है। लुटा देते हैं अपनी जान अजमत की, हमीदी कौम के वारिस की अब तक शान जिंदा है। मुसलमानों को तुम इस मुल्क का गद्दार कहते हो, अरे मुसलमान जब तक जिंदा है हिंदुस्तान जिंदा है। मुसलमानों को इलाहाबादी का गद्दार कहते हैं, इलाहाबादी के जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों। यहीं से चार मिसरे और पढ़ता हूँ। इरशाद है, ये बात साफ तौर पे कह देना जाके तुम, ये बात साफ तौर पे कह देना जाके तुम,
जालिम का एहतराम नहीं कर सकेंगे हम। ये बात साफ तौर पे कह देना जाके तुम, जालिम का एहतराम नहीं कर सकेंगे हम, हमको सजाए मौत भी मंजूर है मगर फिरौन को सलाम नहीं कर सकेंगे हम। बहुत खूब जिंदाबाद मोहतरम आली जनाब साहिल इलाहाबादी जिंदाबाद। वसीम भाई बहुत जिंदा होकर सुन रहे हैं, बहुत खूब। वसीम भाई के हवाले से पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे। कि ये बात साफ तौर पे कह देना जाके तुम, जालिम का एहतराम नहीं कर सकेंगे हम, जालिम का एहतराम नहीं कर सकेंगे हम, हमको सजाए मौत भी मंजूर है मगर फिरौन को सलाम नहीं कर सकेंगे हम। दोस्तों चार मिसरे पढ़ता हूँ, इरशाद हो। जालिम का एहतराम नहीं कर सकेंगे हम, हमारी मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा। मैं सच्चा मुसलमान हूं और सच्चा देशभक्त भी हूं। मेरे चार मिसरे समाप्त करें, इरशाद हो। कहता हूं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, बहुत अच्छा, अपनी शान दे दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा, सजाकर दिल में जो रखा है वो अरमान दे दूंगा। दानिश भाई कहता हूँ कि मैं अपनी जान दे दूंगा, जफर भाई मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा, सजाकर दिल में जो रखा है वो अरमान दे दूंगा। अरे कोई क्या लेगा मेरा इम्तिहान अब देशभक्ति का, खुदा को करके सजदा मैं वतन पर जान दे दूंगा। क्या कहना है, बहुत खूब, मेरा बहुत अच्छा। अब देशभक्ति का कोई क्या, मैं अपनी जान दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी शान दे दूंगा। बहुत शुक्रिया मेरे बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल हलीम उर्फ गुड्डू साहब की दुआएं मिली, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। दोस्तों सुने, जुड़े दोस्तों, कि ये खुशी की बात है जिल्ले इलाही के लिए। अकमल भाई ये खुशी की बात है जिल्ले इलाही के लिए, इलाही के लिए ये खुशी की बात है जिल्ले इलाही के लिए। लोग हाजिर हैं यहाँ अपनी तबाही के लिए, ये खुशी की बात है जिल्ले इलाही के लिए। लोग हाजिर हैं यहाँ अपनी तबाही के लिए, जुर्म पर उसके बताओ रोशनी डालेगा कौन, आईने तैयार है झूठी गवाही के लिए। क्या बात, तैयार है झूठी गवाही के लिए। जुर्म पर उसके बताओ रोशनी डालेगा कौन। वो वसीम भाई, वो फूल की तरह है तो फिर खार कौन है। शादाबादी साहब, इरशाद इलाहाबादी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम अनवर इलाहाबादी साहब, सारे लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे बड़े अब्दुल खालिक साहब, अफजल इलाहाबादी साहब, बहुत अच्छे के पढ़ता हूँ दोस्तों। आइए एक नज्म के हवाले से आप हजरात की समातों के बीच आने की कोशिश करता हूँ, और अगर इस नज्म पर किसी ने मुझे दाद से नवाजा तो मैं समझूंगा मेरी नज्म कामयाब नहीं है। क्या बात, इस नज्म का उन्वान है जहेज की लानत। थोड़ी देर के लिए आप हजरात संजीदा हो जाएं, मेरे हिस्से की दाद मैंने ले ली है। अब मैं कुछ नसीहत आमेज अशार पढ़ना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप हजरात जानते हैं, ये एक बहुत बड़ा मर्ज है हमारे समाज के बीच में। ये ऐसा मर्ज है जिसका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई इस जहेज की चक्की में पिसा जा रहा है। गरीब खुदकुशी कर लिया करते हैं। आइए दोस्तों मैं जहेज के हवाले से नज्म पढ़ता हूँ। दानिश भाई, कल मिला था रास्ते में एक बेचारा मुझे चांदनी, कल मिला था रास्ते में एक बेचारा मुझे,
अपनी हालत से लगा वो वक्त का मारा मुझे। मैले कुचले पैरहन में शख्स वो मलबूस था और अपनी जिंदगी से वो बहुत मायूस था। उम्र उसकी लग रही थी 60-62 के करीब, उसके चेहरे से नुमाया था कि है बेहद गरीब। बाल थे बिखरे हुए और गर्द आलूदा बदन, जिस तरह बेरंग होता है खिजा में एक चमन। उसके चेहरे पर लिखी थी दर्द और गम की दास्तां, आंख में आंसू थे चेहरे पर हजारों झुर्रियां। देखता हूँ मैं वो आखिर एक तरफ चलने लगा और जरा सा दूर पहुंचा लड़खड़ाकर गिर पड़ा। देखता हूँ मैं वो आखिर एक तरफ चलने लगा और जरा सा दूर पहुंचा लड़खड़ा कर गिर पड़ा। चोट आई सर में उसके और लहू बहने लगा, मौत दे दे या खुदा, रो रो के वो कहने लगा। चोट आई सर में उसके और लहू बहने लगा, मौत दे दे या खुदा, रो रो के वो कहने लगा। सानहा जिस वक्त गुजरा ये मेरे पेशे नजर, पास उसके मैं गया बेसाख्ता बस दौड़ कर। अपनी बाहों के सहारे मैंने बैठाया उसे, गर्द रुख से साफ की और थोड़ा सहलाया उसे। चंद लम्हों बाद उसके दम में दम आया जरा, मैंने पूछा ऐ ज़ईफ़ुल उम्र क्या है माजरा। चंद लम्हों बाद उसके दम में दम आया जरा, मैंने पूछा आए ज़ईफ़ुल उम्र क्या है माजरा। वो बड़ी हसरत से चेहरे को मेरे तकने लगा, हो गए आंसू रवां आंखों से और कहने लगा। आसमाने बख्त का टूटा हुआ तारा हूँ मैं, मुफलिसी का बेकसी का वक्त का मारा हूँ मैं। क्या बताऊं मेरे घर में है जवां तो बेटियां और मेरे पाँव में है मुफलिसी की बेड़ियां। मेरे मोहसिन मेरी खातिर बाई से गम है यही, उनकी खातिर मेरे घर रिश्ता नहीं आता। मेरे मोहसिन मेरी खातिर बाई से गम है यही, उनकी खातिर मेरे घर रिश्ता नहीं आता कोई। वो ज़ईफ़ुल उम्र बोला मुझसे होकर अश्क रेज, इस गरीबी में बता लाऊं कहां से मैं जहेज। मुफलिसी बनकर खड़ी है मेरी खातिर एक अजाब, बेटियों को दूं कहां से लाके रिश्तों के गुलाब। मैंने जितने ख्वाब देखे थे वो नीले हो गए, अहले सर की बेटियों के हाथ पीले हो। मैंने जितने ख्वाब देखे थे वो नीले हो गए, अहले जर की बेटियों के हाथ पीले हो गए। हो गया खामोश वो अपनी सुना कर दास्तां। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम शकील साहब ने अपनी दुआओं से नवाजा, बहुत शुक्रिया कि मैंने जितने ख्वाब देखे थे वो नीले हो गए, अहले जर की बेटियों के हाथ पीले हो गए। हो गया खामोश वो अपनी सुना कर दास्तां, सुन के दिल रोने लगा मजबूर की आहो फुगां। मैंने समझाते हुए बूढ़े से बस इतना कहा, जिसका कोई भी नहीं उसका जहां में है खुदा। मेहरबान है अपने बंदों पर बहुत रब्बे गफूर, होगी उसकी एक दिन नजरे करम तुझ पर जरूर। सुन के मेरी बात उसके दिल को आया यूं करार, जो खिजां आलूद गुलशन में चली आए बहार। मेरी बातों से मिला उस शख्स को कुछ हौसला, चंद साथ बाद वो अपनी रविश पर चल पड़ा। हाँ मगर मैं पूछता हूँ इस जहां से दोस्तों, हाँ मगर मैं पूछता हूँ इस जहां से दोस्तों, ये रिवायत दरमियां आई कहां से दोस्तों। गौर इस पर क्यों नहीं करता है आखिर ये समाज, बेटियों के बाप फिरते हैं परेशान हाल आज। एक बूढ़े बाप की दस्तार बिक जाती है जब, उसकी बेटी के लिए बारात घर आती है तब। दोस्तों गर मुफलिसी यूं बेरदा हो जाएगी, देखते ही देखते दुनिया फना हो जाएगी। तुम किसी मजबूर की बेटी का मत सौदा करो, आप भूल कर इंसान, तुम किसी मजबूर की बेटी का मत सौदा करो। आदमियत को सरे बाजार मत रुसवा करो, भूल कर इंसानियत लालच का पैकर हो गए। सच तो ये है तुम भिकारी से भी बदतर हो। बात हो, बात अच्छी। भूल कर इंसानियत लालच का पैकर हो गए, भूल कर इंसानियत लालच का पैकर हो गए। सच तो ये है तुम भिकारी से भी बदतर हो गए। क्या
भूलकर इंसानियत लालच का पैकर हो गए। सच तो ये है तुम भिखारी से भी बदतर हो गए। इस रिवायत को चलो मिलकर बदल दे दोस्तों, आओ इस लानत को पैरों से कुचल दे दोस्तों। इस रिवायत को चलो मिलकर बदल दे दोस्तों, आओ इस लानत को पैरों से कुचल दे दोस्तों। मुफलिसों के सर पे अब ऐसा न कोई बोझ दे, अपने दामन से चलो हम इनके आंसू पोछ दे। तब कहीं होगा मुकद्दर आदमियत का फराज, खुद को तुम महमूद समझो इन गरीबों को आयाज। ये जहां फानी है दिन सब फना हो जाएगा, कौन मालो जर को अपनी कब्र में ले जाएगा।